चिल्ड्रन हाउ आर यू। आज हम लोग मराठी में अंक पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में नंबर्स कहा जाता है। अंक यानी नंबर्स। ओके, सो एक एक करके हम लोग सारे नंबर्स देखेंगे, एक से लेके दहा तक, 1 to 10। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर नंबर जिसे मराठी में अंक कहा जाता है, नंबर 1। इसे कैसे लिखा जाता है मराठी में? ए और क, एक। कैसे लिखा जाता है? ए और क, एक। एक को इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, नंबर्स में नाउ विल गो टू नंबर 2। नंबर 2 को मराठी में दोन कहा जाता है, दो और न, दोन। दोन को हम लोग नंबर्स में इस तरीके से 2 बनाकर लिखते हैं, दो कहा जाता है जिसे। ओके, नंबर 3। नाउ नंबर 3 जिसे मराठी में कहा जाता है, तीन। ती और न, तीन। और इस तरीके से हम लोग उसे मराठी नंबर्स में लिखेंगे। तीन को देखिए किस तरीके से नंबर्स में लिखते हैं, तो अक्षर में लिखा जाता है तीन, और इस तरीके से नंबर्स में उसे लिखा जाता है। नंबर 4। नंबर 4 को मराठी में कहा जाता है चार। चा और र, चार। चार को इस तरीके से बनाया जाता है, देखिए हम लोग किस तरीके से चार को बनाते हैं मराठी में। ना नंबर 5। नंबर 5 को क्या कहा जाता है मराठी में? पाँच। पा और च, पाँच। पांच को इस तरीके से बनाया जाता है मराठी में। ओके, नाउ विल गो टू नेक्स्ट नंबर, नंबर 6। नंबर 6 को मराठी में कहा जाता है सहा। स और हा, सहा। तो 6 को इस तरीके से आप लोग बना लीजिए, जिसे मराठी में सहा कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग उसे 6 बनाते हैं अंक में। नाउ नेक्स्ट नंबर इज नंबर 7। नंबर 7 जिसे हम लोग मराठी में सात कहते हैं, सा और त, सात। और इस तरीके से आप लोग उसे नंबर्स में लिख लीजिए इस तरीके से। नाउ सी द नेक्स्ट नंबर इज 8। 8 जिसे हम लोग इंग्लिश में 8 कहते हैं, मराठी में उसे कहते हैं 8। आ और ठ, आठ। आठ को हम लोग इस तरीके से नंबर्स में बना लेंगे। चिल्ड्रेन आप लोग ध्यान से देखिए किस तरीके से लिखा जाता है सारे नंबर्स को। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 9। 9 को हम लोग मराठी में कहते हैं नऊ। न और ऊ, नऊ। नऊ को इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, उल्टा जो हम लोग का 9 रहता है ना, 9 का जस्ट अपोजिट बनता है वो, और नीचे से एक निकलता है। नाउ नंबर 10। नंबर 10 जिसे हम लोग मराठी में कहते हैं दहा। द और हा, दहा। जिस तरीके से हम लोग मैथ्स में 1 और 0 लिखते हैं, उसी तरीके से मराठी में हम लोग 1 और 0 लिखेंगे, तो हम लोग का दहा बन जाता है। नाउ सी द ऑल द नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।